हेलो गाइज, वेलकम टू विंटर शूट्स। मेरा नाम है राहुल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मी 5 के एंड्रॉयड ओरियो अपडेट की। और ये ऑफिशियल अपडेट है दोस्तों, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। ये मेरे पास मी 5 है वाइट कलर का, इसका बैक ग्लास टूट गया था तो ये मैंने फिर कैप्टन अमेरिका थीम्ड बैक केस लगा रखा है प्लास्टिक का। अच्छा लग रहा है ना। तो गाइज, ये मी 5 में मुझे अपडेट मिली थी अभी मेरे को एक दिन से ऊपर हो गया है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, ये देखिए, ये 12 जुलाई को मुझे अपडेट मिली थी। अभी आज 14 जुलाई है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और ये देखिए अपडेट का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। ऑफिशियल अपडेट है, कोई रूटिंग कस्टम रोम नहीं है। देखिए, 1.4 GB की अपडेट थी, MIUI 9610, और इसमें लिखा है अपडेट टू एंड्रॉयड ओ, यानी एंड्रॉयड ओरियो। उसके अलावा कुछ मी वॉइस असिस्टेंट लिखा है, थीम्स, म्यूज़िक प्लेयर, वेब ऐप्स और ब्राउज़र, ये सारे चेंजेस इसमें बताए हैं। फिर मैंने अपडेट कर लिया है इसको, अभी आपको दिखा देता हूँ अबाउट में जाके। तो देखिए दोस्तों, ये अबाउट फ़ोन है इसका, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन 8.0.0। ये देखिए, ये ओरियो का सिंबल आ गया है, और साथ ही देखिए इसमें सिक्योरिटी पैच है 1 मई का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 3 GB वाला ये मॉडल है। इसके अलावा सिस्टम अपडेट में अगर हम जाएंगे तो देखिए 9610 है और अभी लेटेस्ट अपडेट पर है। तो दोस्तों, इसकी ये मेरा वैसे प्राइमरी फ़ोन नहीं है, इसको मैंने अपडेट करने के बाद थोड़ी देर यूज़ किया था और अच्छा चल रहा था। ये जो थीम आप देख रहे हैं, ये थीम नहीं है दोस्तों, ये लॉन्चर है, पिक्सल लॉन्चर बोलते हैं इसे, और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। ये पिक्सल लॉन्चर आप शाओमी के किसी भी फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो, और एकदम स्टॉक एंड्रॉयड लॉन्चर की तरह ये काम करता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली पिक्सल का ही लॉन्चर है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको डिटेल्स मेरे चैनल पे, आप पिक्सल लॉन्चर सर्च कर लो, आपको मिल जाएगी। ये मी 5, रेडमी नोट 5 प्रो, इवन मेरे रियल मी 1 के वीडियोज़ में भी देखा होगा आपने, मैं यही लॉन्चर यूज़ करता हूँ हर फ़ोन से। इसके अलावा दोस्तों, लॉक स्क्रीन पर आप देख सकते हो थोड़ा सा ये चेंज है, सेंटर में आ गई है क्लॉक अभी, ये मी का चेंज है एक, और बैटरी इसकी ख़त्म हो गई थी तो मैंने चार्जिंग पे लगाया है। आइए आपको बैटरी का दिखा देता हूँ कैसा है। तो सिस्टम मेरे को एक तो देखो थोड़ा फास्ट लगा अपडेट के बाद, नॉर्मल उससे मैंने इसको यूज़ किया था कुछ आधे घंटे, बट बाकी ये मेरा प्राइमरी फ़ोन नहीं है तो इसमें मेरी सिम वगैरह नहीं है, वाईफाई से ये जुड़ा है, ऐप्स इसमें सारी की सारी है मेरी। तो मैंने इसको छोड़ दिया था जस्ट देखने के लिए कि आइडल इसका कितना ड्रेन बैटरी का रहता है, किस तरह से चलता है। बीच बीच में इसको थोड़ा बहुत मैंने यूज़ किया था, तो ये देख सकते हो आप ऐप्स का यूजेज, जिसमें ऐप्स की अपडेट आ गई थी, तो मेरी जो भी 60-70 ऐप्स थी वो इसमें अपडेट करी थी मैंने वाईफाई पे, बाकी कुछ ज़्यादा यूजेज नहीं है। और ये देखो हार्डवेयर में आपको स्क्रीन ऑन टाइम, आप देखो 54 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम है। तो जैसा मैंने कहा कि मैंने बस टेस्टिंग कर ली है, कैमरा वैमरा यूज़ किया इसका, देखा टेस्टिंग के लिए, और ये आप देख सकते हो 80% से बैटरी ख़त्म हो गई थी 1 day 7 hours में, ठीक है। 35 मिनट को आप मत काउंट करो क्योंकि ये अभी चार्जिंग पर है 10-15 मिनट से। तो दोस्तों, ये चला है आपका 24 और 7, 30 घंटे मान लीजिए, 30 घंटे ये चला है 80% से 0% आने में। तो आइडल ड्रेन इसका ठीक रहा है, 30 घंटे में 80% बैटरी गिरी है, 1.5% पर आर का ड्रॉप हो रहा है, और थोड़ा बहुत मैंने इसको यूज़ भी किया था, और परफॉर्मेंस भी पहले से थोड़ी फास्ट लग रही है मेरे को। देखो अभी अच्छा रिस्पॉन्सिव हो गया है। और इसमें लेकिन दोस्तों, मुझे कोई ऐसा नया फीचर नहीं देखने को मिला शाओमी का, जो हमें दूसरे फ़ोन्स में देखने को मिलता है, जैसे नोट 5 प्रो, ना तो इसमें कोई आपको फेस अनलॉक दिखने वाला है। अभी भी बस ये वही फिंगरप्रिंट ही है इसमें। एक तो देखो ये डिस्प्ले की सेटिंग्स है, कोई फुल स्क्रीन मोड नहीं है यहाँ पर, फुल स्क्रीन के लिए मैंने ढूंढने की कोशिश करी तो कोई फुल स्क्रीन जेस्चर्स वो सब नहीं है। जेस्चर में अगर हम जाके देखेंगे तो वही सब जेस्चर हैं जो पहले भी थे ओरियो अपडेट होने के बाद भी। दूसरा, प्राइवेसी में अगर देखेंगे, प्राइवेसी नहीं, फिंगरप्रिंट अनलॉक ही है अभी भी इसमें, कोई इसमें वो नहीं आया आपका अलग से, फेस अनलॉक नहीं आया। तो वो भी एक चीज़ मैं सोच रहा था कि शायद इसमें आ जाए फेस अनलॉक, लेकिन फेस अनलॉक नहीं दिया कंपनी ने इसमें, बस आप फिंगरप्रिंट ही रजिस्टर कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, बाकी सारे फीचर तो वही एज इट इज़ काम कर रहे हैं, ब्लूटूथ, वाईफाई, कोई कहीं पे दिक्कत नहीं है, स्पीड अच्छी आ रही है, फ़ोन भी फास्ट चल रहा है। बैटरी का ड्रॉप आपको दिखा दिया मैंने, बाकी कैमरा कैसा काम कर रहा है उसके लिए अब आप ये सैम्पल्स देख लो अपने स्क्रीन पे।
दोस्तों ये थी ओवरऑल अपडेट। आई होप कैमरा के सैंपल्स आपको ठीक लगे होंगे। बस एक चीज़ है कि जब से ये 9.5 MIUI 9 की अपडेट आई है, Mi 5 की जो वीडियो में स्टेबलाइजेशन है कैमरा की, वो मुझे लगा कि जैसे ऑलमोस्ट अब ख़त्म ही हो गई है। पहले इसमें OIS का सपोर्ट आता था, लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं है इसमें स्टेबलाइजेशन। देखिए अभी ये वीडियो पर है और हम सेटिंग्स में भी जाके देखते हैं, तो देखिए सेटिंग्स में ऐसा कोई अलग से ऑप्शन नहीं है स्टेबलाइजेशन का, यही ऑप्शन है। और फुल HD पे मैंने वीडियो सैंपल भी रिकॉर्ड किया है, जो आपने भी देखा होगा, और कोई खास स्टेबलाइजेशन है नहीं। इनफैक्ट नोट 5 प्रो की स्टेबलाइजेशन मी 5 से ज़्यादा बेहतर आ रही है आज की डेट में। बाकी दोस्तों ओरियो का अपडेट है, आपको ओरियो मिल जाएगा तो आप कर सकते हो इस अपडेट को मेरे हिसाब से, जिसके पास भी मी 5 है अभी भी। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो आपके लिए, क्विक अपडेट कि मी 5 पे एंड्रॉयड ओरियो की अपडेट आ गई है ऑफिशियली स्टेबल, और ये OTA फॉर्म में मुझे मिली थी जो मैंने आपको दिखा दी। तो दोस्तों लाइक और शेयर करिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। कोई आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है मी 5 इस ओरियो अपडेट से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।